हे फ्रेंड्स, राजेश, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है वन प्लस नाइन आरटी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है आप अपने वन प्लस नाइन आरटी को रूट कर सकते हैं और कैसे उसको अनरूट भी कर सकते हैं। आपको TWRP कस्टम रिकवरी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको पीसी चाहिए और कुछ ड्राइवर चाहिए और बूट इमेज की फाइल चाहिए, और उसके बाद जो है आप अपने फ़ोन को रूट और अनरूट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी फ़ोन को बूट करने के लिए उसका फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए। ऑलरेडी मैं फ़ोन के बूटलोडर को अनलॉक कर चुका हूँ, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर जो है USB डिबगिंग मोड को इनेबल कर लेना है। उसके लिए अबाउट फ़ोन पे जाइए, वर्जन्स पे जाइए, बिल्ड नंबर पे 8 से 10 बार आप टैप करेंगे और उसके बाद जो है आपके फ़ोन के अंदर डेवलपर वर्जन जो है इनेबल हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो मेथड मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो आपका जो OS 11 जो है 0.3 उसके लिए है। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वर्जन 11.3 के लिए ये फाइल है। अगर 11 के बाद कोई नया अपडेट आता है तो उसकी फाइल्स अलग होंगी, तो ये वर्जन 11.3 के ऊपर काम करेगा। बट आगे चल के जो वर्जन जाते हैं, आप उसकी बूट इमेज को भी पैच करके अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने पैच करना। तो आपने USB डिबगिंग मोड को इनेबल करना है। डेवलपर ऑप्शन में जाइए, एडिशनल सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शंस में, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करिए और उसके बाद USB डिबगिंग मोड इसको भी आपने इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको क्या चाहिए, जैसा कि आपने देखा कि हम OOS 11.3 वर्जन के ऊपर हैं, तो आपको उसकी बूट इमेज फाइल चाहिए। तो ये वो बूट इमेज फाइल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा विद वर्जन नेम कि कौन सा वर्जन है ये। और साथ ही साथ आपको चाहिए मैजिस 24.3 APK। अगर इसे लेटेस्ट वर्जन आता है तो आप इसे लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करते हैं, इससे पुराना वर्जन आप यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपने इस मैजिस की जो फाइल है इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद जो बूट इमेज है उसको आपने पैच करना है। तो ये देखिए मैजिक जो है इंस्टॉल हो गया है, इसको ओपन करते हैं। अब इंस्टॉल के ऑप्शन पर जाएंगे, सिलेक्ट पैच फाइल करेंगे, फाइल इमेज पर जाएंगे और जो बूट हमने इस फ़ोन के लिए इस वर्जन के लिए सेव किया है उसको सिलेक्ट करेंगे और लेट्स गो कर देंगे। अब ये जो बूट इमेज है उसको पैच करेगा और उसको आपने फास्ट बूट कमांड्स के थ्रू अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश करना है। तो ये देखिए बूट इमेज जो है अपैच हो रही है और ये आपको डाउनलोड के फोल्डर्स में देखने को मिलेगी। मैं आपको पैच्ड इमेज का भी लिंक दे दूंगा ताकि आपको बूट इमेज को पैच ना करने पड़े, आप सीधा जो है पैच इमेज को जो ही फ्लैश करें अपने फ़ोन के अंदर और उसके बाद उसको यूज़ करें। देखिए कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है आपको ये फाइल मैनेजर के अंदर आपको ये डाउनलोड सेक्शन में आपको पैच्ड इमेज देखने को मिल जाएगी। ये देखिए ये वो इमेज। अब हम चलते हैं PC के ऊपर और मैं बताऊँ PC के ऊपर आपको क्या क्या काम करने हैं। तो सबसे पहले तो PC के ऊपर आपको ये जो ADB ड्राइवर्स हैं इनको सेटअप कर लेना है। डबल क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है यस कीजिए और उसके बाद जो एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खुलती है कुछ इस तरीके से, इसमें वाई लिखते जाइए यानी यस और ओके करते जाइए ताकि सभी के सभी जो ड्राइवर्स हैं आपके लैपटॉप या PC जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इंस्टॉल हो पाए और आप अपने फ़ोन को सक्सेसफुली कनेक्ट कर पाएँ। तो ये देखिए सभी ड्राइवर्स जो हैं यहाँ पर अपडेट होंगे और उसके बाद जो ये विंडोज़ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। उसके बाद चाहिए आपको ये प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए। आपको ऐसा एक फोल्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप कमांड्स को रन करेंगे। अब चलते हैं हम अपने फ़ोन को एक बार PC के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए फ़ोन को PC के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए फ़ोन को हम PC के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। इसके इंटरनल स्टोरेज में जाते हैं और जो पैच्ड इमेज सेव हुई थी डाउनलोड उसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ जो बूट इमेज थी उसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अगर आपने इसको अनरूट करना हो तो। ये देखिए इसको भी हम इसको यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोनों फाइलें जो है हमने एक तरीके से पेस्ट कर ली हैं। तो ये तो होगी रूट करने के लिए कि रूट करने के लिए, और इस इमेज को हमने पैच किया था, इससे आप वापस जो है अनरूट भी कर सकते हैं। तो अब हम रूट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर है इसको ओपन करिए, इसके टॉप पर लिखेंगे CMD और एंटर कर देंगे। एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन होगी कुछ इस तरीके की। अब आपको क्या करना है, ADB डिवाइसेस यहाँ पर लेना है, ADB डिवाइसेस, और चेक करना है कि आपका फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्टेड है कि नहीं। ओके करिए, आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स देखने को मिलेगी। ये देखिए यानी कि हमारा फ़ोन कनेक्टेड है, लिस्ट ऑफ डिवाइस अटैच, सीरियल नंबर। अगर आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देखने को नहीं मिलता है, आपको एक पॉपअप भी देखने को मिलेगा फ़ोन में, USB डिबगिंग इनेबल्ड है, उसको ओके कर दीजिएगा। अगर तब भी नहीं दिखता है तो ड्राइवर्स को अपडेट कर लिएगा, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें फिक्स हो पाएंगी, उसका वीडियो मैंने बना रखा है। तो अब हम फ़ोन को फास्ट बूट मोड पर लेके आएंगे तो उसके कमांड है ADB रीबूट, बूट लोडर। तो ये देखिए ADB रीबूट बूट लोडर करेंगे और इसको हम एंटर कर देंगे। अब हमारा फोन जो है ऑटोमेटिकली जो है फास्ट बूट मोड पे बूट करेगा। तो ये देखिए अब हमारा फोन जो है फास्ट बूट मोड पे आ चुका होगा। आपको फास्ट बूट की स्क्रीन जो है अपने फोन पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बूट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे फास्ट बूट
डिवाइसेस, ताकि हमारा फोन कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये देखिए सीरियल नंबर फिर से लिखा है और फास्ट बूट यानी कि फोन हमारा कनेक्टेड है। अब हम रन करेंगे फास्ट बूट, बूट और जो इमेज हमने पैच की है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे। फास्ट बूट बूट और उस पैच फाइल को यहाँ पे ड्रैग करके एंटर कर दीजिए। अब जो है आपका फोन जो है पैच होगा और नई बूट इमेज जो है आपके फोन के अंदर एक तरीके से वर्किंग हो जाएगी। अब आपका फोन जो है बूट होगा और थोड़ी ही देर में आपका फोन जो है एक नॉर्मल बूट के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारा फोन जो है बूट हो पाए। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आ चुकी है। अब कुछ ही देर में आपका फोन जो है जैसे ही बूट हो जाता है उसके बाद आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने फोन के अंदर और आपका फोन जो है आप उसको रूट कर चुके होंगे। तो ये देखिए फोन हमारा जो है बूट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो मैजिक की जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की थी जिससे पैच किया था उसको ओपन करना है। उसको ओपन करते ही आपको कुछ इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आपने फॉलो करनी है। तो एक थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम बूट होने के लिए। तो ये देखिए फाइनली जो है मैजिक मैनेजर जो है ओपन हो गया है। आप इंस्टॉल पे जाइए, इसके अंदर जो डायरेक्ट इंस्टॉल है सेकंड ऑप्शन इस पर टैप करेंगे, लेट्स गो करेंगे। अब जो है ये फुल्ली जो है अब बूट इमेज को पैच कर देगा और आपका फोन जो है रूट हो जाएगा। तो देखिए रीपैकिंग बूट इमेज हो रही है। अब जैसे ही कंप्लीट होता है उसको बाद आपने अपने फोन को रीबूट करना है और आपका फोन जो है रूट हो चुका होगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने फोन को अनरूट कैसे कर सकते हैं। ये वर्जन जो मैंने आपको बताया OS 11.3 वर्जन की फाइल थी जिसको हमने पैच किया था। अगर आपको नए वर्जन पाते हैं तो आपको उस फाइल को पैच करना है और इसी मेथड को यूज करना है। हर वर्जन के लिए अलग फाइल होगी, आप ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए पैच हो गई है, रीबूट कर देते हैं। अब हमारा फोन जो है सक्सेसफुली रूट हो चुका होगा। मैं रूट चेकर के थ्रू आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारा फोन जो है रूट हुआ है कि नहीं है। इसके बाद में आपको फोन को अनरूट करके भी दिखाऊंगा कि हमारा फोन जो है अनरूट कैसे करना है। तो ये देखिए फाइनली हमारा फोन जो है बूट हो चुका है। अब मैजिक मैनेजर को ओपन करते हैं। अब जो है मैजिक मैनेजर जो है फुल्ली जो है आपके फोन में वर्किंग होगा। मैं रूट चेकर के थ्रू आपको चेक करवा देता हूँ हमारा फोन जो है रूट हुआ है कि नहीं। रूट चेकर पे चलते हैं, वेरीफाई रूट करते हैं। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस, यानी सक्सेसफुली हम अपने OnePlus 9RT को रूट कर चुके हैं। अब बात करते हैं फोन को आपने अनरूट कैसे करना है। तो उसके लिए फिर से आप पीसी के ऊपर जाइए, वहां पर फिर से कमांड लिखिए ADB रीबूट बूट लोडर। आपको फिर से फास्ट बूट मोड पे आना है। तो ये देखिए ADB रीबूट रीबूट बूट लोडर लिखा हमने, हमारा फोन जो है फिर से रीबूट होगा। अब हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल जो हमारी बूट इमेज थी उसको हम फ्लैश कर देंगे, उसके बाद जो है हमारा फोन अनरूट हो जाएगा। तो अब हम जो है जो स्टॉक बूट इमेज थी 11.3 उसको फ्लैश करेंगे, उसकी कमांड है फास्ट बूट। अब आपको यहाँ पे फ्लैश करना है, बूट नहीं करना, फ्लैश करके फास्ट बूट फ्लैश बूट यानी बूट पार्टीशन और बूट इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे इसको फ्लैश कर देंगे। तो देखिए इसको फ्लैश करते हैं, सेंडिंग बूट भी ये करेगा। उसके बाद जो है आप इसको अपने फोन को रीबूट करेंगे और आपका फोन जो है अनरूट हो चुका होगा। अब लिख देते हैं हम यहाँ पे फास्ट बूट रीबूट और एंटर। तो ये देखिए अब हमारा फोन जो है रीबूट होगा और हम देखते हैं कि अब हमारा फोन जो है अनरूट हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो है आप अपने OnePlus 9RT को रूट भी कर सकते हैं और अनरूट भी कर सकते हैं। आपको TWRP की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली कुछ फास्ट बूट कमांड्स के थ्रू ही अपने फोन को रूट एंड अनरूट कर सकते हैं। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आ चुकी है। अब मैं रूट चेकर के थ्रू चेक करूंगा कि हमारा फोन जो है अनरूट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए फोन को हम अनलॉक करते हैं, वापस जाते हैं अपनी होम स्क्रीन के ऊपर और रूट चेकर एप्लीकेशन को फिर से एक बार रन करते हैं और देखते हैं हमारा फोन जो है अनरूट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए रूट चेकर एप्लीकेशन फिर से हम रन करेंगे, वेरीफाई रूट, सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस, यानी हम सक्सेसफुली अपने फोन को अनरूट कर चुके हैं। अब आप मैजिक को भी यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने फोन को रूट और अनरूट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।